BCom SEM 3 English Medium Cost Accounting 1। आज हम कुछ नए फॉर्मूलास देखेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल कंजप्शन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंजप्शन की फॉर्मूला देखते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ये तीन नए फॉर्मूला है, अब हम आगे देखते हैं। कैलकुलेट री ऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एनुअल कंजप्शन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैरिंग एक्सपेंस ईयरली पर यूनिट, री ऑर्डरिंग टाइम, वीकली एवरेज कंजप्शन, वीकली मिनिमम कंजप्शन। तो हमको 4 आइटम फाइंड करनी है, रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम कंजप्शन। तो हमको मैक्सिमम कंजप्शन नहीं दिया, पर एवरेज कंजप्शन और मिनिमम कंजप्शन दिया है। तो इन दोनों के बेस पे हम मैक्सिमम कंजप्शन फाइंड करेंगे। तेरा फॉर्मूला एवरेज कंजप्शन इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। तो अब एवरेज कंजप्शन, तो यहाँ पे हमको दिया है एवरेज कंजप्शन 250 और मिनिमम कंजप्शन 125। तो यहाँ पे हम एवरेज कंजप्शन लिखते हैं 250 इज इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन 125 प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2। हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 250 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 डिवाइडेशन में है, वो इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 125 प्लस मैक्सिमम कंजप्शन 250 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 500 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 125 इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन। तो वो मैक्सिमम कंजप्शन हमको मिला, मैक्सिमम कंजप्शन इज इक्वल टू यानी कि 375। तो हमको एवरेज कंजप्शन के बेस पे मैक्सिमम कंजप्शन मिला 375। तो अब हम इस फॉर्मूला में मैक्सिमम कंजप्शन लिख देते हैं 375 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। हम फॉर्मूला में देखते हैं, हमको रीऑर्डरिंग टाइम दिया है 4 to 6 वीक, तो उसमें मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6। तो हमको मैक्सिमम की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला में मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड लिख देते हैं 6। 375 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 2250 यूनिट्स। तो हमको रीऑर्डरिंग लेवल मिल गया, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो हमको 225 यूनिट्स रीऑर्डरिंग लेवल के मिल गए। अब हम मिनिमम लेवल फाइंड करते हैं। तो मिनिमम लेवल की फॉर्मूला, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डरिंग लेवल। तो ऑर्डरिंग लेवल यहाँ पे फाइंड किया 2250 माइनस एवरेज कंजप्शन। तो एवरेज कंजप्शन हमको दिया है 250। तो 250 मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड वो हमको दिया नहीं है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। तो ये रही उसकी फॉर्मूला। तो कि एवरेज डिलीवरी पीरियड इज इक्वल टू मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम पीरियड हमको दिया है 4 प्लस मैक्सिमम पीरियड हमको दिया है 6 डिवाइड बाय
तो ये रीऑर्डरिंग टाइम पे हमको ये मिनिमम दिया है और ये मैक्सिमम दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज डिलीवरी पीरियड हमको मिला 5। तो अब हम फॉर्मूला में लिख देते हैं एवरेज डिलीवरी पीरियड 5। अब उसको कैलकुलेट करते हैं 2250 मल्टीप्लाई 5, तो हमको मिलेगा 1250। अब हम 2250 में से 1250 लेस करेंगे तो हमको मिलेगा 1000 यूनिट्स। तो हमने मिनिमम लेवल भी फाइंड कर दिया, अब हम मैक्सिमम लेवल फाइंड करेंगे। तो ये रहा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो हमको मैक्सिमम लेवल फाइंड करने के लिए ऑर्डरिंग क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तेरे फॉर्मूला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइड बाई सी। 2 है, ए की जगह हमको दिया है एनुअल कंजप्शन, 13 हमारा एनुअल कंजप्शन हमको दिया है 30,000 यूनिट, तो हमने लिख दिया 30,000 यूनिट। अब ओ यानी कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो हमको यहाँ दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹25, तो हमको यहाँ भी लिख दिया 25। और सी यानी कि कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमने दी हमको दी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹65, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 65। अब उसका कैलकुलेशन किया 2 × 30,000 × 25 यानी कि 650,000 डिवाइड बाई 65,000 यानी कि 10,000। उसको अंडर रूट हटा दिया तो हमको मिला 100 यूनिट्स, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमको मिला 100 यूनिट्स। तो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी फाइंड कर दी, रीऑर्डरिंग लेवल भी फाइंड किया, मिनिमम लेवल भी फाइंड किया, अब हम मैक्सिमम लेवल फाइंड करते हैं। तो ये रहा मैक्सिमम लेवल, तो उसमें ऑर्डरिंग लेवल, तो ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ फाइंड किया था 2250, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2250 माइनस मिनिमम कंजप्शन। तो मिनिमम कंजप्शन हम अमाउंट में देखते हैं कि मिनिमम कंजप्शन हमको दिया है 125, तो हम यहाँ पे लिख 125 मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड, तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड हमको दिया है 4, तो हम लिख देते हैं 4 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हमने अभी फाइंड की, वो है ऑर्डरिंग क्वांटिटी 100 यूनिट्स, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 100 2250 माइनस 125 × 4 यानी कि 50 + 100 इज इक्वल टू 2250 − 500 + 100, तो हमको मिला 1850 यूनिट्स। तो हमने मैक्सिमम लेवल भी फाइंड कर दिया, तो इसमें हमने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी फाइंड कर ली। अब हम आगे देखते हैं, उसमें हमको बोला है कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई एंड मटेरियल जेड। तीनों मटेरियल के लिए हमें मटेरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है और टर्नओवर पीरियड फाइंड करना है। तो ये रही फॉर्मूला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मटेरियल कंजप्शन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला के लिए हमें मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम मटेरियल एक्स के लिए हम मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 37,500, परचेज है 1,17,500,
क्लोजिंग स्टॉक है 17,500। तो हम यहाँ फॉर्मूला में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक 37,500, परचेज 1,17,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक 70,500। तो टोटल हुआ 1,37,500। अब हम मटेरियल एक्स के लिए एवरेज स्टॉक फाइंड करेंगे। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या रहा 37,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा 17,500 / 2 इज इक्वल टू। तो एवरेज स्टॉक मिला 27,500। अब हमको मिल गए मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक दोनों को हम इस टर्नओवर की फॉर्मूला में लिख देते हैं। तो ये टर्नओवर रेशियो एक्स का टर्नओवर रेशियो है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1,37,500 / 27,500। तो अब हमको टर्नओवर रेशियो मिला 5 times। अब हम टर्नओवर पीरियड फाइंड करेंगे, यानी कि डेज ड्यूरिंग द पीरियड। तो सारे ईयर के डेज होते हैं 365 / मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो हमको मटेरियल टर्नओवर रेशियो एक्स का मिला 5 times, यानी कि 5 times। यानी कि टर्न ओवर पीरियड इज इक्वल टू 370, यानी कि 73। ये जो हमने एक्स का टर्न ओवर रेशियो फाइंड किया है, इसी तरह हमें वाई और जेड का भी फाइंड करना है। अब हम वाई का टर्न ओवर रेशियो फाइंड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेज 2 lakh, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक वाई का 80,000 प्लस परचेज 2 lakh माइनस क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो अब हमें मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा 2,40,000। अब वाई का एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 / 2। तो हमको मिलेगा 60,000। तो मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक, ये दोनों फिंगर्स हम ये फॉर्मूला में रखेंगे, यानी कि 2,40,000 / 60,000 इज इक्वल टू, ये है वाई का। तो हमें टर्नओवर रेशियो मिला 4 times। ये वाई का टर्नओवर रेशियो हमने फाइन किया, मटेरियल कंज्यूम्ड फाइन किया, एवरेज स्टॉक फाइन किया। अब हम वाई का टर्नओवर पीरियड फाइन करेंगे। तो डेज ड्यूरिंग द पीरियड, तो डेज ड्यूरिंग द पीरियड हमको मिलेगा कितना होगा 365, सारे ईयर का सब में 365 ही आएंगे। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमको मिला है 4 times। तो 365 / 4, तो हमको मिलेगा 91.25। तो ये हमने वाई का फाइन कर दिया। अब हम इस तरह जेड का भी फाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जेड का ओपनिंग स्टॉक लिया है 17,500, परचेज दिया है 52,500 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7,500। तो मटेरियल कंज्यूमर जेड का फाइन करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 17,500 प्लस परचेज है 52,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 7,500। तो अब हमको मिलेगा 62,500। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 62,500। अब हम एवरेज स्टॉक फाइन करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है 17,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 / 2। तो हमको एवरेज स्टॉक मिला 12,000
500, अभी 12,500 हम इस फॉर्मूला में लिख देते हैं 12,500, तो अब हमको जेड का टर्नओवर रेशियो मिलेगा 62,500 डिवाइड बाई 12,500 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मिलेगा। अब हम टर्नओवर पीरियड फाइंड करेंगे, जेड का टर्नओवर पीरियड फाइंड करना है तो 365 डिवाइड बाय उसका मिला हमको 5 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 5 तो हमको मिलेगा 73 डेज, तो टर्नओवर पीरियड हमको मिला है 73 डेज। तो हमने ये जेड का भी फाइंड कर दिया है, यहाँ पे एक बार देख आपको एग्जाम में इस तरीके के ही सम पूछेंगे, बस फॉर्मूला में आपको अमाउंट रखनी है और कैलकुलेशन करना है।